नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरप्रीत जैन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अनिल चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उनके पीछे कई पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो बता रहे हैं कि उन्हें उनके निवास स्थान पर पुलिस ने डिटेन कर लिया है, लेकिन क्यों डिटेन किया है इसका पता उनको खुद नहीं है। वह बोल रहे हैं कि नमस्कार, मैं चौधरी अनिल कुमार दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज जैसे ही मैं सोकर उठा तो मेरे घर पर हमारे एरिया के SHO पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मुझे डिटेन किया जा रहा है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता हूं, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों, लेकिन अगर मुझे जानकारी पुलिस देगी तो उसके बाद ही मैं लोगों को बता पाऊंगा कि मुझे डिटेन क्यों किया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस के DCP ईस्ट का कहना है कि अनिल चौधरी को उनके घर में इसलिए डिटेन किया गया है क्योंकि कल और आज सुबह से ही वे माइग्रेंट लेबर्स को लेकर के अपनी गाड़ियों में भरकर दिल्ली से UP बॉर्डर ले जा रहे थे। वे खुद यानी कि अनिल चौधरी और उनके साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में कई माइग्रेंट्स को लेकर के UP बॉर्डर तक छोड़ने गए थे। कानून व्यवस्था की समस्या कांग्रेस के लोग दिल्ली में खड़े कर रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ भी ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, इससे स्थिति और बिगड़ रही है। माइग्रेंट लेबर को भेजने का एक प्रोसीजर है और ये लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। वहीं पुलिस का कहना है कि इन पर क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा, इस पर अभी विचार चल रहा है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को पुलिस ने डिटेन किया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।